वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। तो विंटर आ गई हैं, और विंटर और समर में जिस तरह से हमारे जो कपड़े हैं, हम विंटर में गर्म पहनते हैं और समर में हम गर्मियों में कॉटन सूती पहनते हैं, तो उसी हिसाब से प्लांट के लिए जो मिट्टी भी है वो सर्द गर्म के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। तो ये विंटर की मिट्टी मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, इस मिट्टी में है एक तो मेरी डिकम्पोज की हुई किचन वेस्टेज पत्तियाँ उत्तियाँ वो डाली है मैंने इसमें, और इसमें एक गार्डन सॉइल डाली है। गार्डन सॉइल मीन्स जो मिट्टी हम रखते हैं जहाँ पर भी, मतलब आपको घर के आसपास जो नीचे से निकलती है, गड्ढे की खुदाई हो रही है या आपके गार्डन जिसके पास ज़मीन है, क्यारी है, वहाँ से निकल जाती है, तो वो होती है गार्डन सॉइल। और कंपोस्ट अगर आपके पास घर की बनी हुई नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें ऐड है, मेरे पास रिवर सैंड है नहीं, है लेकिन वो छानी हुई नहीं है, तो उसकी जगह मैंने कोकोपिट ले लिया है। तो इसमें देखिए कोकोपिट भी है, कोकोपिट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये कोकोपिट है इसमें। अब इसमें ये है मेरे पास गोबर खाद, ये गोबर खाद भी मैं नर्सरी वाले से ही लेकर आई थी, और या कोई गांव वगैरह जाती हूँ तो मैं उनसे ले लेती हूँ। ये हम इसमें मिला लेते हैं। अब इतनी सारी मिट्टी में जो है मैं अंदाजे से मिला लेती हूँ, देखिए ऐसे कोई मीज़र नहीं करती, जैसे एक पॉट के हिसाब से 50 ग्राम गोबर खाद हम मिला लेते हैं। तो ये इतने मैंने, मतलब ये 4-5 ये जो ग्लासी है वो ले ली है, और मेरे पास है ये नीम खली, नीम खली है मेरे पास। नीम खली ऐसी होती है, नीम खली बहुत ज़रूरी होती है। नीम खली इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि नीम है वो हमेशा से जो है पेस्टिसाइड का काम करता है, इंसेक्ट को दूर भगाता है। आपको पता है मच्छर और इनके लिए भी बहुत यूज़ की जाती है, तो इसके लिए जो नीम खली है वो आप डाल दें थोड़ी। और ये मैंने नीम खली डाल दी और गोबर खाद मिला दी, और अच्छे से आप इसको मिला लीजिए। ग्लव्स पहनना भूल गई हूँ मैं, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो मिट्टी वगैरह है वो मतलब सही रहती है, क्योंकि घर का ही सब कुछ तैयार कर लेती हूँ मोस्टली। तो आप जब भी काम करें तो ग्लव्स पहन के करें। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, तो मिट्टी मैंने मिला ली है। अब ये देखिए मेरा ये छोटा सा पॉट है, मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। सबसे पहले तो ये जो है मैंने इसके ड्रेनेज हॉल किए हुए थे, और जो तो कोई बंद था वो मैंने कर लिए हैं, और उसमें एक मैं कपड़ा लगा दूंगी ताकि जो जो मिट्टी है आपकी, जो इतनी अच्छी मिट्टी हम बनाते हैं, वो बहकर ना जाए कहीं पे भी। तो उसके बाद में जो है मैं इसमें ये डाल दूंगी। इसको भर लेंगे हम पूरा। ये इतना भर लेंगे क्योंकि अभी जब प्लांट लगाएंगे तो थोड़ी सा हमें स्पेस भी चाहिए, इतना हम इसको भर लेंगे। और प्लांट लगाएंगे जब, इसको पहले गीला कर लेंगे, फिर ऐसे प्लांट इसको से साइड में करके इसके अंदर जो भी मैंने सीडलिंग की है, क्रिसाइंथेमम की तैयार हो चुकी है, गेंदे की तैयार हो चुकी है, कैलेंडुला की तैयार हो चुकी है, तो उसको ट्रांसप्लांट करूँगी बस 1-2 दिन में मैं, तो वो मैं इसमें लगा दूँगी। तो इस तरह से आपको जो है गमले के लिए मिट्टी तैयार करनी है, और गमले की मिट्टी के लिए मेरा एक वीडियो भी है पुराना, वो सर्दियों के गमले की मिट्टी मैंने तैयार की है, बहुत परफेक्ट है, और उसमें मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी थी पिछले साल सर्दियों में। तो वैसी मिट्टी आपको तैयार करनी है, और गोबर खाद और नीम खली ये सर्दियों में आप ज़रूर डालें, बहुत फ़ायदा करती है। जहाँ पर 4 फूल आते हैं उसकी जगह 10 फूल आएंगे। और नीम खली है जो आपके पेस्टिसाइड का काम करेगी। आपको पता है मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ,
मैं केमिकल यूज़ नहीं करती, तो नीम खली मेरा उसी का काम करती है, और मेरे हर हर गमले की मिट्टी में नीम खली ज़रूर होती है। तो बाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।